हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका दोस्त। आज हम आए हैं वीगा इंडिया के ऑफिस में एक नए वीडियो के साथ, जहां हम आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, कैसे हम सिंपल स्टेप्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट इंस्टॉलेशन को। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे मास्टर टेक्नीशियन मिस्टर तारिक से और जानते हैं प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के बारे में। हेलो तारिक, आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट का ड्राइव होल इंस्टॉलेशन। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तारिक है, मैं वेगा में मास्टर टेक्नीशियन हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो वेगा इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट इंस्टॉलेशन के बारे में। वेगा इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल करने में क्या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आज हमारे पास है विजाइन फोर मोड 205 इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट, जिसका आर्टिकल है 774363। आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट है। इस इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट के साथ हमें ये मिलता है इसका पिन सेट और सिलिकॉन ग्रीस। इस इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मोटर असेंबली की, जिसका आर्टिकल है 783952। आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसमें हमें मिलता है ये AC-DC एडाप्टर, जो कि 6.5 वोल्ट का है, और इसके साथ आते हैं ये मोटर असेंबली और इसकी ये बेल्ट और ये इसके कनेक्शन जैक। आइए देखते हैं बैटरी बॉक्स को, जिसका आर्टिकल है 786021। इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स में हमें मिलती है 6.5 वोल्ट की बैटरी, बैटरी का बैटरी बॉक्स, बैटरी बॉक्स को फिक्स करने के लिए टेप और टू वे केबल। वेगा इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल करने में कुछ मटेरियल हमें बाहर से परचेज करना होता है, जैसे कि ये 100x100 का जंक्शन बॉक्स है, इसमें ये 1 मीटर का फ्लेक्सिबल कंडूट पाइप यूज करते हैं, ये हमें बाहर से परचेज करना होता है। आइए अब चलते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। आइए इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है 100mm का कंसील सिस्टम। इस सिस्टम में 2 पॉइंट होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। राइट वाला हमने वाटर सप्लाई का इसमें यूज़ किया हुआ है और लेफ्ट वाला खाली है। अगर हमारे पास वाटर सप्लाई लेफ्ट में आती है तो हम लेफ्ट में वाटर सप्लाई दे सकते हैं और राइट साइड में पावर सप्लाई दे सकते हैं। अभी हमने वाटर सप्लाई राइट साइड में यूज़ की हुई है तो फिर हम राइट लेफ्ट साइड में पावर सप्लाई देते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 220 वोल्ट का पावर सप्लाई का पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कंडूट को कनेक्ट करेंगे जंक्शन बॉक्स के लिए। आइए जंक्शन बॉक्स को फिक्स करते हैं। जैसे कि अभी हमने जंक्शन बॉक्स को इंस्टॉल किया है, 100x100mm का ये जंक्शन बॉक्स है। अब इस जंक्शन बॉक्स में यहाँ से सिस्टम तक एक कंडूट फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट करेंगे। अभी हमने इसको कंडूट को सिस्टम इनलेट से कनेक्ट किया है। आइए AC-DC एडाप्टर को जंक्शन बॉक्स में फिक्स करते हैं। इस AC-DC एडाप्टर के अंदर 1 मीटर का लेंथ आता है। अगर हमारा सिस्टम से जंक्शन बॉक्स का डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पर है, उसके लिए 2 मीटर का एक्सटेंशन केबल आता है, जिसका अलग आर्टिकल है। आइए इसको फिक्स करते हैं। AC-DC एडाप्टर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर हमारे पास इसमें बॉक्स में निकलते हैं, इससे इसको कनेक्ट करते हैं। ब्राउन वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे और सेकंड ब्राउन को इसमें कनेक्ट करेंगे। अब सेकंड हमारा ब्लू वायर है, ब्लू वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने ये कनेक्टर के थ्रू
एसी सप्लाई को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया। अब हम इसका आउटलेट डीसी कंडूट में डालकर सिस्टम तक ले जाएंगे। यहाँ पर डीसी वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इस वायर को खोलकर चेक करते हैं, ये वायर यहाँ तक सिस्टम तक पहुँच चुका है। अब इस वायर को यहाँ पर निकाल देते हैं। अब यहाँ इस मैकेनिज्म के ऊपर मोटर को फिक्स करेंगे। आइए मोटर असेंबली को मैकेनिज्म से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर वाइट बटन्स हैं, ये बटन्स फ्लशिंग और ऑटो फ्लश को एडजस्ट करते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बेल्ट है, इस बेल्ट को यहाँ कनेक्ट करते हैं। इस बेल्ट से फ्लशिंग होती है और ये कनेक्टर फ्लश प्लेट में कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी हमने मोटर असेंबली इसमें फिक्स कर दिया है। अब जैसे कि आपने देखा, हमने ये डीसी वायर इसमें कनेक्ट किया हुआ है, एसी डीसी एडाप्टर से ये डीसी वायर सिस्टम के अंदर आया है। इसमें अगर आपको बैटरी बैकअप का ऑप्शन देना है तो आप इसमें बैटरी और टू वे केबल कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैटरी बॉक्स है और ये बैटरी है, इस बैटरी को बैटरी बॉक्स में कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी और बैटरी बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी को सिस्टम में फिक्स करने के लिए इस टेप का यूज़ करेंगे। टेप है, इसको एक पार्ट हमने इसमें फिक्स कर दिया है, सेकंड पार्ट हम इसमें सिस्टम की प्लेट में फिक्स करेंगे। अब हम इसमें टू वे, इन दोनों के बीच में टू वे केबल यूज करेंगे। जैसे कि आपने देखा, ये एसी डीसी एडाप्टर से डीसी वायर इसमें अंदर आया है और ये हमारा बैटरी बैकअप का वायर है। इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें टू वे केबल को इसमें फिक्स करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो सिंगल इसमें वायर बचा है, ये मोटर असेंबली में फिक्स होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मोटर असेंबली के लिए डीसी वायर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा, ये एसी डीसी एडाप्टर का वायर है और ये बैटरी बैकअप का वायर है। ये हमने मोटर से कनेक्ट किया है, जो कि सिस्टम में पावर सप्लाई जाने के बाद इसको बैटरी बैकअप से फ्लशिंग को प्रॉपर मेंटेन रखता है। अब इसको हम फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के बाद ये हमारी फ्लशिंग प्लेट का कनेक्टर बाहर निकला रहेगा। अब हम इसमें फ्लशिंग प्लेट इंस्टॉल करके दिखाते हैं। इस फ्लश प्लेट को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके पैनल को रिमूव करेंगे। इस पैनल को फिक्स करने से पहले इसमें ये पिन सेट आते हैं इसके साथ में, जो कि इसके साथ कनेक्ट होंगे। इस पैनल को फिक्स करने के लिए यहाँ राइट वाले होल से इस वायर को बाहर निकाल देंगे। ये एक पिन सेट इसमें यूज़ करते हैं इमरजेंसी फ्लशिंग के लिए। अगर कोई पावर फेलियर होता है तो आप इसको फ्लश कर सकते हैं। आइए इसकी फ्लश प्लेट को कनेक्ट करते हैं। फ्लश प्लेट के कनेक्टर को इस कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले हम
ग्रीस का यूज़ करेंगे जो कि रस्ट वगैरह ना इसमें लगे। इस कनेक्टर को इसमें कनेक्ट करेंगे। ये सिलिकॉन ग्रीस सभी कनेक्टर्स में यूज़ करना है। आइए इस फ्लश प्लेट को फिक्स करते हैं। इस फ्लश प्लेट को फिक्स करने के बाद आप देखेंगे इसकी सामने एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद राइट में छोटा सर्किल आपका हाफ फ्लश का है और बड़ा वाला सर्किल फुल फ्लश का है। आप इसको कुछ सेकंड के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, फ्लश प्लेट को हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको फ्लश करके दिखाते हैं। राइट वाला सर्किल हाफ फ्लश है, लेफ्ट वाला बड़ा सर्किल फुल फ्लश है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल करना कितना आसान है। बहुत सिंपल से स्टेप्स में तारिक ने आप सबको बताया है कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लश प्लेट का इंस्टॉलेशन हमने ड्राई वॉल कंसेप्ट पर किया है। सिमिलरली सेम इंस्टॉलेशन वेट वॉल कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम ऐसी वीडियोस के साथ भविष्य में भी आपके साथ बने रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।